हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे गोभी और सोया का रेसिपी। सोया और गोभी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सोयाबीन को पहले हम यहाँ पका लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। गर्म पानी में इसको उबाल के पहले इसको सॉफ्ट कर लेंगे। सोयाबीन को सॉफ्ट करके तैयार कर लिया है। अब इसको मिक्सर ग्राइंड में थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। एकदम इसको पानी को एकदम निचोड़ के, एकदम इसमें पानी रहना नहीं चाहिए। इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह ग्राइंड करके लिए हैं इसको। इसको साइड में रखेंगे और इसी जार में हम यहाँ एक कप दो कप कैबेज लिए हैं। कैबेज को वॉश कर लिए हैं, छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल देंगे, इसको भी ग्राइंड करके पीस लेंगे। कैबेज को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे ऑनियन पेस्ट। और थोड़ा सा इसमें जिंजर पेस्ट। डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ग्रीन चिली भी डाले हैं इसलिए बहुत ज़्यादा रेड चिली हम नहीं डालेंगे। इसमें थोड़ा सा डाले हैं टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे क्यूमिन पाउडर। सबको मिक्स करके पहले इसको मिक्स कर लेंगे पहले। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट। सबको मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। स्नैक्स में भी इसको लिया जा सकता है या फिर इसको ग्रेवी भी बना के सब्जी में बना सकते हैं। दोनों तरफ से इसको खाया जा सकता है। इस तरह पहले इसको सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर और डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर, जिसको बेसन बोलते हैं। सबको मिला के तैयार कर लेंगे।
तरह इसका मिश्रण को तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा हाथ में ऑयल ग्रेस कर लेंगे। इस तरह एक जो वेजिटेबल चॉप जैसा इसका शेप में बना लेंगे। इस तरह बना के तैयार करेंगे। इस तरह सबको पहले बना के तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे इसको ऑयल गर्म करके तल लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे अंदर से थोड़ा थोड़ा, नहीं तो जो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं इसको पकाएंगे। अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से कड़क बन जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे इसको तल लेंगे। इस तरह इसको बना के तैयार कर लेंगे। वेजिटेबल चॉप जैसा होता है उस तरह इसका अच्छा ऐसे टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस तरह सबको बना के तैयार करेंगे। सबको तल के तैयार कर लिए हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए सोया और कैबेज की नई रेसिपी।